कुछ एक सवाल सचमुच इम्पोर्टेंट होते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास सही न्यूज पहुंच नहीं पाती है। आजकल मेरे पास इस टॉपिक को लेकर कई सवाल आए हैं कि क्या बम्पर गार्ड इलीगल हो गया है, क्या लगेज कैरियर इलीगल है, आखिर क्या रीजन है कि लोगों के यह सवाल है, क्यों पुलिस वाले उनका चालान काटते हैं जो लगेज कैरियर या बम्पर गार्ड लगा के चल रहे हैं, क्या रीजन है और क्यों ये नियम आए हैं, अगर आए हैं तो, और कब से लागू हुए हैं और किस किस जगह लागू हुए हैं। ये सारे टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार्गो। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपके साथ एक चीज क्लियर कर देता हूँ इन दोनों चीजों में कि बम्पर गार्ड लीगल है या इलीगल, या लगेज कैरियर लीगल है या इलीगल। एक चीज क्लियर कर दूं कि कार जिस कंडीशन में फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होके आती है वही उसकी जेन्युइन और ओरिजिनल शेप होती है। कार की शेप के साथ खिलवाड़ करना गलत है, यानी कार के बाहरी डिजाइन में ऐसे मॉडिफिकेशन करना जिनसे कार की शेप ही बदल जाए यह इलीगल है। दूसरी, कोई ऐसी चीज लगा के चलना जिससे दूसरों को हार्म पहुंचे वह भी इलीगल है। जैसे कार के भीतर से कोई पाइप नहीं निकाल सकते हैं आप, कार के छत पर कोई सामान नहीं बांध सकते हैं आप, कार के पीछे कोई चीज लटका नहीं सकते हैं आप, और वैसे ही कार के आगे बोनट पर। इसी में एक चीज थी बम्पर गार्ड जिसको लेके लोगों के बड़े मिथ थे। गवर्नमेंट ने पिछले साल यानी 2017 में एक नियम प्रॉपर गैजेट बनाकर लागू कर दिया। वह नियम था कि कार में किसी भी तरह का बम्पर गार्ड नहीं लगाया जाएगा, यह कंप्लीटली इलीगल है। हालांकि यह इलीगल पिछले कई सालों से था लेकिन लोगों को डाउट थे इस पर कि क्यों इलीगल है, किस तरह के गार्ड इलीगल है। फिलहाल यह कंफर्म हो गया कि बम्पर के ऊपर किसी भी तरह का प्रोटेक्शन लगा के रखना वह इलीगल है। अब यह इलीगल क्यों हुआ, किस क्या रीजन है तो आप समझे। मैं आपको सर्टिफिकेट जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी लगा दूं इस वीडियो में, और साथ में यह भी आपको बता रहा हूं कि क्यों इलीगल है। पहले बात समझे, जितने भी बॉडी के गार्ड हैं कार के बम्पर गार्ड आगे चाहे पीछे, वह जब किसी कार में लगे हैं और वह कार किसी आदमी से टकराती है, किसी जानवर से टकराती है, किसी बच्चे से टकराती है, किसी महिला से टकराती है, किसी स्कूटर से टकराती है, तो उन लोगों को बहुत भयंकर चोट लगती है। यानी कि प्लास्टिक और रबड़ का बम्पर जिस तरह से आपको एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर, एक तरह से स्प्रिंग का एहसास करा के आपकी जान बचाता है, यानी चोट हल्की धीमे धीमे करके लगती है या बहुत सॉफ्ट हो जाती है लगने के बाद, वो नुकसान इस बम्पर की वजह से बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर किसी बच्चे को बम्पर गार्ड वाला चोट लग जाए तो उसकी जान बचाना मुश्किल पड़ जाता है, किसी जानवर को टकरा जाए तो उस जानवर की जान बचाना मुश्किल हो जाता है, किसी महिला या स्कूटी चलाने वाली व्यक्ति को टकरा जाए उसकी जान बचाना नामुमकिन सा हो जाता है, चलते हुए पेडेस्टल से आप टकरा जाए चाहे बड़ा आदमी क्यों ना हो उसका पैर का फ्रैक्चर होना बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर यह राइट किसने दिया कि आप अपनी गाड़ी जिससे कि उसकी जान बच सकती थी उसको जबरदस्ती जानलेवा बना दे बम्पर गार्ड लगाकर, सिर्फ इसलिए कि मेरी बम्पर को कुछ नहीं होना चाहिए, यह इतना साइज था। इसीलिए मैं भी इसको रिकमेंड कभी नहीं करता था। जिन्होंने मुझसे इस नियम के लागू होने से पहले भी सवाल किए मैं उनको भी रिकमेंड करने से कतराता था, साफ साफ कहता था प्लीज इससे बचिए। लोगों के तर्क आते थे कि पीछे की तरफ लगा सकते हैं, मेरा मानना था पीछे की तरफ वाला भी नुकसानदायक है। क्यों, अगर पीछे से कोई गाड़ी आपको टकराती है और बम्पर गार्ड से टकराती है तो अगर आपके कार में बम्पर गार्ड लगा है तो आपकी कमर में गर्दन में इतना भयंकर झटका लगेगा कि गर्दन टूट सकती है, रीढ़ की हड्डी उखड़ सकती है, और इन दोनों में प्लास्टर भी नहीं होता, यानी एक ऐसी सर्जरी से गुजरना पड़ेगा जो पूरी जिंदगी आपको बिस्तर पर बैठा सकती है या आपको पैरालाइज्ड कर सकती है। यह बात आप सब जानते हैं, गर्दन और पीठ की चोट दुनिया की सबसे खतरनाक चोटों में से एक मानी जाती है। वैसे ही अगर आपकी कार में आगे बम्पर गार्ड लगा हुआ है और वह कार किसी दीवार से टकराती है, किसी डिवाइडर से टकराती है, किसी पेड़ से टकराती है, किसी खंभे से टकराती है, तो इतनी जोर का झटका आपकी गर्दन और कमर में लगेगा, रीढ़ की हड्डी पे लगेगा कि बैठे हुए पैसेंजर्स की जान जाने का खतरा बना होता है, चाहे उस कार में एयरबैग हो या सीट बेल्ट लगाई हो तब भी। बम्पर का काम है उस चोट को सॉकर की तरह से सह जाना, खुद अपनी जान दे देना और बदले में कार ओनर की कार में बैठे हुए लोगों की जान बचाना, यह काम है बम्पर का। और बम्पर को आप वही काम करने से रोक देते, यानी आपका जो बॉडी गार्ड है उसको आप अपनी बॉडी की गार्ड करने से रोक रहे हो बम्पर गार्ड लगाकर। उल्टा अब आपकी जान को खतरा हो गया इस गार्ड लगाने से। बम्पर आपकी सुरक्षा के लिए था, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली प्रॉपर लीगल बनाकर डॉक्यूमेंट इसको बंद कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह नियम दिल्ली में है, यूपी में है, यहां है, हमारे यहां नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कोई कानून बनता है तो वह पूरे इंडिया के लिए बनता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस तरह के कार की सेफ्टी वाले कानून पूरे इंडिया के लिए बनते हैं। कार में फिल्म इलीगल है तो पूरे इंडिया में इलीगल है, उसे कहीं लीगल नहीं बना सकते आप। कहीं आपको रोका नहीं जाता है, पुलिस वाले आपका चालान नहीं काट रहे, इसका मतलब नहीं कि वो लीगल हो गया है। सीट बेल्ट न लगा के गाड़ी चलाते हैं आप, आपके शहर में पुलिस वाले आपका चालान नहीं काटते, इसका मतलब नहीं कि आपके शहर में लीगल हो गया है, वह भी इलीगल ही है। और आपकी जान की आप खुद फिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर शहर में अभी हाल में मुझे पता पड़ा कि पटना सिटी में अभी हाल में हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना कंपलसरी कर दिया गया, तो क्या अब तक जो लोग जान दे रहे थे बगैर हेलमेट लगाए वो लीगल जान दे रहे थे? नहीं, उनको तब भी हेलमेट लगाना चाहिए था। सिर्फ पुलिस के डंडे से बचने के लिए हेलमेट लगाना बिल्कुल सही नहीं है। मेरा मानना है सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हेलमेट आप क्या लीगल इलीगल पुलिस वाले रोकते हैं नहीं टोकते हैं, आपको लगाना चाहिए। वैसे ही कार में सीट बेल्ट है, आपको लगानी चाहिए। पुलिस वाले रोकते हैं या नहीं रोकते इससे कोई मतलब नहीं। कार में बम्पर गार्ड नहीं लगाना चाहिए, पुलिस वाले रोके या ना रोके। वैसे ही कार में ऊपर कैरियर है, कार में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन इलीगल है। कार के छत पे अगर कोई सामान रखते हैं तो कार डिसबैलेंस होती है, इसीलिए इसे इलीगल कहा जाता है कि कार में कोई भी आउटर बॉडी में चेंजेस नहीं होने चाहिए। कार के शीशे खोल के आप उसमें एक बाजार से खरीद के लेके आए घर की प्लम्बिंग के लिए पाइप, और आपने उसे शीशे से भीतर कर दिया और बाहर निकला हुआ दो हाथ, यह भी इलीगल ही है। इससे भी दूसरों की जान को खतरा है। ऐसे किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन इलीगल माने जाते हैं, और इसके लिए आज नहीं काफी सालों पहले नियम बन चुका था, बस इधर पालन नहीं हो रहा था इसलिए इसे सर्कुलेशन बनाकर जारी कर दिया गया। वो ऐसा नहीं है कि यूपी में खून किया तो केवल जेल जाना पड़ेगा, दिल्ली में खून किया तो केवल जुर्माना भरना पड़ेगा, मुंबई में खून किया तो केवल उठा बैठक लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। वो हर जगह इलीगल है और पूरी तरह से सेम कानून है कि आपके शहर में रोका नहीं जा रहा तो इसका मतलब आपके शहर में लीगल हो गया है। ये कहीं भी लीगल नहीं है पूरे इंडिया में। और अगर इंडिया के बाहर भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में कई फ्रेंड्स हैं हमारी जो देखा करते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा बांग्लादेश के लोग प्लीज इसको ना लगाएं, इससे दूसरों की जान को खतरा होता है। आप बेहतर हो अपनी कार को ही ज्यादा संभाल कर चलाएं ताकि आपकी कार सुरक्षित रहे, उसमें स्क्रैच भी ना पड़े और वह हमेशा नई जैसी बनी रहे और आपको सेफ रखे। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों यह चीजें इलीगल है। उम्मीद रखता हूं आपको यह डाउट दूर करने में मदद मिली होगी कि इलीगल क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या गवर्नमेंट की तुनक मिजाजी है या सचमुच कोई रीजन है। आप और भी ऐसे कई रीजन बता सकते हैं कि आखिर इसको क्यों इलीगल कहा गया है। अगर ऐसे कोई रीजन आप भी जानते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर। और ऐसे नियम जो आप जानते हो जिसे आपके शहर में ये कहा जाता है कि यह इलीगल नहीं है हमारे शहर में, तो वो भी लिखिएगा जरूर। मुझे अच्छा लगेगा ऐसे कमेंट पढ़कर, ऐसी जानकारियां इकट्ठा करके। हाँ, ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक डिसलाइक करना ना भूलिए। साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। लाइक डिसलाइक तो आप रेगुलर करते हैं, एक बार शेयर करके देखिए फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कैसा लगता है मुझे बताइएगा, और उस शेयर करने के बाद कितने लोगों ने उसे देखा ये जरूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट में, बहुत अच्छा फील होगा मुझे। बस इतना ही। अगर आपको ऐसी और बेहतरीन वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमेशा हमारे बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। फिलहाल याद चाहता हूं अगले वीडियो में मुलाकात होगी जो इससे भी बेहतरीन हो सकता है। देखते रहिए आज कागज।